बहुत अच्छी मूवी है, एक नई चीज़ है लोगों में, इस तरह की फिल्में मतलब जैसे बनानी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। जैसे हम छोटे सिटीज़ के काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको ये सब बातें करने में बड़ी शर्म आती है और लोग मतलब अपने बच्चों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, और मतलब करनी चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए, एक नई जागृति आनी चाहिए समाज में, मतलब सबको अपने बच्चों के साथ हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ये सब चीज़ अच्छी, फिल्म अच्छी है, नया टॉपिक है। सोनाक्षी सिन्हा ने बड़ा अच्छा काम किया, वरुण ने अच्छा काम किया है, और गाने भी ठीक ठाक है फिल्म के, और नाइस मूवी। ओके, बादशाह ने ये मूवी के साथ डेब्यू किया, तो उनकी परफॉर्मेंस बादशाह बहुत अच्छा, बादशाह बहुत अच्छा। ओके, आपको क्या लगता है मूवी के बाद लोग अभी खुल के बात करना चाहेंगे क्या? आई थिंक सो, करना चाहिए लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि एक एजुकेशन है, हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, तो फिल्म के जरिए एक अच्छा माध्यम है, बड़े ट्रैक पे लोग देखना पसंद करेंगे इसको, और अच्छा है, करनी चाहिए। ओके, 5 out of 4 फोर स्टार। थैंक यू। अरे वहाँ का तुम घंटी पड़ गया मेरे तक। ओके, तो सर आपने जस्ट मूवी देखी खानदानी शोभा करना, तो कैसी लगी आपको मूवी? ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन लेके आया था उतना नहीं अच्छा लगा मुझे। ओके, ये मूवी के साथ बादशाह अपनी डेब्यू कर रहे हैं, तो कैसे लगी? रैपिंग में तो आपने देखा ही, पर एक्टिंग में कैसे लगी? रैपिंग में तो एक नंबर है, एक्टिंग में भी मतलब ठीक ठाक ही कर ली उन्होंने, मतलब अच्छा लगे मुझे। कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना? कॉन्सेप्ट ठीक है, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बताया गया, पर इतना मतलब बोलते ना, मैं पहले पूछो खरी उतर नहीं पाई, मतलब जैसे जिस तरीके से बताना चाहिए था उस तरीके से बता नहीं पाया उन्होंने। और ये मूवी मतलब जैसे टीनेजर्स को तो देखनी चाहिए साथ में ही, मतलब जो फैमिली वाले जो पुराने ज़माने के हैं उनको देखनी चाहिए, तो थोड़ा उनके मेंटेलिटी में असर दिखेगा थोड़ा। ओके, कितना स्टार देना चाहिए? 2.5। बोलना अच्छा बोलना। ओके, सो फिल्म खानदानी शोभा खाना देखने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म में सोनाक्षी, वरुण और बादशाह का डेब्यू था। फिल्म ठीक ठाक लगी मुझे, आई थिंक ट्रेलर से जैसे ये फिल्म दावा कर रही थी कि ये हमारे सोसाइटी के एक बहुत ही जो डीप रूटेड सोशल स्टिग्मा है सेक्स और सेक्स एजुकेशन, उसको लेके ये फिल्म बनाई गई है, बट आई थिंक समवेयर कॉमेडी एलिमेंट के बीच वो मैसेज डाइल्यूट हो गया, एंड समवेयर इट डिडंट सक्सीड इन डिलीवरिंग द मैसेज दैट इट प्रॉमिस्ड इन द ट्रेलर, सो उतनी खास नहीं लगी मुझे फिल्म। ओके, बात करें अगर एक्टर्स की, तो सोनाक्षी सिन्हा है, बादशाह डेब्यू कर रहे हैं, वरुण शर्मा है, एक्टिंग किसकी ज़्यादा अच्छी लगी और क्या करना चाहिए? हम सोनाक्षी को हमने पहले भी देखा है, दैट शी इज़ नोन एज एन एमिनेंट एक्टर, वो बहुत अच्छी काम भी करती है और बहुत अच्छी एक मतलब एक्ट्रेस के हिसाब से जाना जाती है अपने टैलेंट के लिए, बट कहीं ना कहीं इस फिल्म में उनकी एक्टिंग थोड़ी फ्लैट लगी। वरुण शर्मा ठीक ठाक लगे, अगर दर्शक आएंगे तो आई थिंक उनके लिए आएंगे क्योंकि वो अपने वन लाइनर्स के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द, इफ़ यू आस्क मी वन थिंग विच आई लाइक्ड इन द फिल्म, आई विल से वरुण शर्मा, बट सोनाक्षी कहीं फीकी दिखी मुझे इस फिल्म में। और बादशाह ऑनेस्टली कब आए और कब चले गए समझ में भी नहीं आया, आई थिंक एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर बादशाह बिकॉज एवरीबडी वॉज वेटिंग टू सी हिम ऑन स्क्रीन टू डू हिज एक्टिंग डेब्यू, बट देन बादशाह आई थिंक इट वॉज लाइक अ हिट एंड मिस वाला एक सीन हो गया, एंड ही जस्ट केम एंड ही वेंट अवे एंड वी डिडंट इवन रियलाइज, उतना दमदार डेब्यू नहीं रहा बादशाह का। बादशाह अपने रैप के लिए जाने जाते हैं, और इस फिल्म में भी जो थोड़ी बहुत उनकी रोल थी वो भी रैपर का ही था, तो उस रोल में वो अच्छे ही दिखे, आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब इन द लिटिल स्क्रीन टाइम दैट ही गॉट। ओके, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले आई थिंक इट कुड हैव बीन वे वे बेटर, स्पेशली जब आप एक ट्रेलर में प्रॉमिस करते हो दैट यू आर एड्रेसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इशू एंड ऑफ आर सोसाइटी, इट्स अ डीप रूटेड स्टिग्मा एंड इट्स टाइम दैट वी ऑल कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट, और एज यूथ आई थिंक हमको ही इस बात को अनशील्ड करना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन की कमी के वजह से या जो भी हो स्क्रीन प्ले की कमी के वजह से वो मैसेज डाइल्यूट हो गया, तो बेसिकली फिल्म का जो मुद्दा था वो दर्शकों तक आई थिंक पहुंचा ही नहीं, सो द डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले कुड हैव बीन बेटर एंड दैट वुड हैव मेड द मैसेज लाइक दैट कुड हैव सक्सीडेड इन मेकिंग द मैसेज डिलीवर टू द ऑडियंस। वन टाइम वॉच, इट्स ओके, गो आउट एंड वॉच वंस। 3। सही है, तुम क्वेश्चन कर लेना। अच्छी मूवी है, लेकिन और थोड़ी बेहतरीन हो सकती थी मुझे, ठीक है, अच्छी है। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले भी किया, उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। और वरुण शर्मा की कॉमेडी,
अरे पूछो मत, माशाल्लाह बहुत अच्छे। ओके, सो इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसा लगा? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता था, क्योंकि ये जो बनी हुई है ज़्यादा पब्लिक के बीच में नहीं आ पाई, क्योंकि जो एक मिर्ची मसाला जो चीज़ होनी चाहिए वो काफ़ी नहीं है, मतलब कुछ टाइम तक चलेगी, उसके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी पब्लिक भूल जाएंगी, ऐसा है थोड़ा। फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं बोल सकते फिल्म को। जब ट्रेलर हमने देखा था तो हमें लगा था कि नहीं फिल्म बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन के ऊपर बता रहे हैं फिल्म में, तो उस हिसाब से जस्टिफाई कर पाएगी। लेकिन अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको सेक्स सुनने को तो बहुत मिलेगा, लेकिन सेक्स एजुकेशन होता क्या है एक्चुअल में, ये आपको कई फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। तो लेकिन मिला जुला के ठीक ठाक मूवी है। एक्टिंग में तो वो मंझे हुए कलाकार है, जैसे दबंग जैसी फिल्में उन्होंने की है, तो एक्टिंग के मामले में वो अपने पाथ पे बेस्ट है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के मामले में थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। वरुण शर्मा की अगर बात करें हम, तो यू नो वो अपने वन लाइनर्स के लिए बहुत ही मशहूर है। जी जी, कॉमेडी के मामले में वरुण शर्मा का तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, क्योंकि चूचा जैसे उन्होंने रोल किया है, तो उसी अंदाज में अपने आप को इस फिल्म में भी जस्टिफाई किया है, जैसा जहाँ पे ह्यूमर की बात अगर करें तो जहाँ पे लग रहा था इस फिल्म में, तो वो जस्टिफाई कर पाए हैं। लेकिन नहीं, वही तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में फिल्म है, लेकिन सेक्स के बारे में सुनने को मिल रहा है फिल्म में अंदर, लेकिन एजुकेशन कैसे किस तरीके से वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है हमें। जी नहीं, डायरेक्शन ठीक ठाक है, हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो वो शॉर्ट में भी समझा सकते थे उसको, वही चीज़ घुमा फिरा के खींच खींच के वहाँ तक लेके जाना जिसका कोई मायने नहीं रखता, तो वो सेम चीज़ इस फिल्म में हुई है। एक्टिंग, बादशाह की एक्टिंग की बात करूँ तो, क्योंकि जैसे कि इस फिल्म में भी वो रैपर का अंदाज़ निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके एक्टिंग के मामले में जैसा लग रहा था कि वो एक्टिंग करते करते भी रैप भी कर रहे हैं, तो लेकिन अच्छा था। जी, तीन, थ्री, थैंक यू। ज़्यादा पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। वो तो अच्छी है, उसकी एक्टिंग अच्छी है, बाकी तो इतना कोई नहीं पसंद आया। अच्छा, और फिल्म की अगर बात करें तो जो मैसेज वो देना चाहते थे सेक्स एजुकेशन के बारे में, वो आप तक पहुंच पाया? हाँ, वो यानी आप बात नहीं करते तो ऐसा करके उन लोग ने फिल्म में कहा है, लेकिन अभी क्या पता, ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे तो मैसेज तो कैसे जाएगा। अच्छा, तो का अच्छा था वो, मतलब उसने डांस वांस नहीं किया लेकिन उसकी एक्टिंग अच्छी थी। खानदानी शफाखाना एक यूनानी जो दवा भारत में होती थी, यूनानी जो दवा सबसे पहले यूनानी दवाई हिंदुस्तान में आई थी, तो उसको एक तरह से प्रमोट करने के लिए कि जो सेक्स होता था, लोग चुपके से उस क्लिनिक में जाते थे और अपना इलाज करते थे। तो इस मूवी में यही दिखाया गया, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने अपना बहुत ही बेहतरीन काम किया है, वो खूबसूरत भी दिखी हैं, लेकिन फिल्म में कोई मनोरंजन नहीं है, कोई सीन नहीं है, सिर्फ होशियारपुर में एक शफाखाना है पुराना, तो उसका ही उन्होंने वहाँ पे फिल्माया है मूवी, सिर्फ पब्लिक को ये ज्ञान देने के लिए कि आप जो सेक्स है वो सेक्स एजुकेशनल है, सेक्स के बारे में लोगों को खुल के बताएं। और इस फिल्म में पुराना दिखाया गया है, जिसमें कि लोग आम पब्लिक विरोध करती है कि आप सेक्स की बात आम पब्लिक में कैसे कर सकते हैं, तो इस पिक्चर इस सब्जेक्ट पे मूवी बनाई गई है कि लोग आज भी जो अपने हिंदुस्तान में जो सेक्स नाम से संकोच करते हैं, तो उसको संकोच न करके आपको जो भी बीमारी है, ये सब्जेक्ट तो अभी तो अंग्रेजी दवा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन इस फिल्म का एक अच्छा संदेश ये है कि जो भी हिंदुस्तान में जो शफाखाना था, उन्होंने दवा की वैद्य के रूप में दवा की शुरुआत की, और आज भी आप खुल करके अपना, अगर सेक्स के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप निसंकोच दवा खाने में जाएं, शफाखाने में जाएं, अपने बारे में, बीमारी के बारे में बताएं, अपना इलाज कराएं, एवं अपना दाम्पत्य जो जीवन है उसको सुखमय करें। इस बेस पे आधारित पिक्चर है, एक संदेश जाता है, लेकिन इस संदेश को लोग फॉलो ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि
इनमें इस पिक्चर में एक कमी ये भी है कि इसमें मनोरंजन बिल्कुल नहीं है। बादशाह को फालतू का जबरदस्ती का लाया है उन्होंने, तीन जगह चार जगह वो दिखे हैं, वो तो रैप वैप करते हैं लेकिन रैप वैप कुछ हुआ नहीं। अगर वो ट्रेंडिंग में इस समय थोड़ा सा रैप डालते तो पिक्चर मूवी थोड़ा सा खिंचती, लोग पसंद करते और जाते। आज मैं देख रहा हूँ कि कोई है ही नहीं मूवी देखने वाला, तो मेरा यही था। सोनाक्षी सिन्हा के वजह से ही मैं मूवी देखने गया था, वो बेहद खूबसूरत लगी हैं, बेहद अच्छी एक्टिंग किया है उन्होंने, खुल के बोली हैं, एक भी ऐसा नहीं लगा कि वो सेक्स के बारे में बोल रही हैं तो उनको संकोच हो रहा है या शर्मा रही हैं, खुल के उन्होंने एक्टिंग की है, मज़ा आ गया उनकी एक्टिंग को देख के। बाकी और फिल्मों में फिल्म में कुछ है नहीं, पर सोनाक्षी ने बहुत दमदार अभिनय किया है इसमें। यूथ को नहीं आएगी वो, क्योंकि यूथ में मैंने आपसे पहले ही बोला कि इसमें थोड़ा सा गाने इनको डालना चाहिए था। जब बादशाह का आपने नाम लिया है और इनकी डिबिट फिल्म है तो एक दो गाने तो डालना चाहिए, कितने ट्रेंडिंग में है वो, लेकिन गाने नहीं डाले। ये भूषण कुमार की पिक्चर है, टी सीरीज की पिक्चर है, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, गाने नहीं है। और डायरेक्शन सिर्फ एक ही बेस दिखाया गया कि हाँ ये सफा खाना है, यहाँ पे इलाज कराइए, और सब्जेक्ट ये है कि आप खुल के बोलिए, बाकी तो ठीक है, लेकिन मनोरंजन एक होना चाहिए था। जब बादशाह को लिया तो दो गाने डाल देते थे ना, रैप वैप डाल देते थे, क्या जाता था। टी सीरीज के बाद किस चीज़ की कमी है, कुछ तो है नहीं, पर ये मूवी की एक वीकनेस है। पाँच में से कितना स्टार मैं 3.5 दे दूँ।